हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी से अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपना अच्छे से ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए। जैसे कि आप सबके बहुत से कमेंट्स आए मेरे पास, बहुत से लोगों के मैंने रिप्लाई भी किए, बट वो क्वेश्चन कंटिन्यू ही आए जा रहा है कि मैम मेरा 9वां महीना ख़त्म होने वाला है, मेरी ईडीडी भी निकल चुकी है, मतलब एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट भी निकल चुकी है, जिसको आप डिलीवरी डेट बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी निकल चुकी है, तब भी लेबर पे नहीं आया है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलिए आप सबके लिए फुल डिटेल में अच्छे से वीडियो बना देती हूँ कि जब आपको 9वें महीने में या आपकी डिलीवरी डेट निकलने के बाद दर्द नहीं आए तो आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। इस तरीके की और वीडियो अच्छे अच्छे मैं लाऊं आप सबके लिए, तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस जो लाल गुल का बटन है उसको दबा देना है, घंटी है उसको भी दबा देना है। तो जल्दी जल्दी फिर अपनी उंगली को कष्ट दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी आज का वीडियो भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी का 9वां महीना स्टार्ट होता है और उसके परीक्षा के दिन शुरू हो जाते हैं, बस फिर यही टेंशन सबको होने लगती है कि पता नहीं है मेरा लेबर पेन कब आएगा, बस वो पेन का वेट करने लगती है कि लेबर पेन आए, जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए, मेरा बेबी मेरे पास आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ कि 9वां महीने लगते ही अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए फिर क्या होता है कि 9वां महीने लगते ही लेडीज सिर्फ अपनी डिलीवरी का वेट करने लगती हैं और लेवर पेन को लेके टेंशन में आने लगती हैं। अब अगर 9वां महीना भी पूरा होने वाला है और आपकी जो डॉक्टर ने एलएमपी के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट दी है, ईडीडी दी है, वो भी निकल जाती है और तब तक भी अगर आपको दर्द ना आए तो फिर तो पूरा मतलब चिंता का पूरा भंडार ही भर जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा चिंता फिर बढ़ने लगती है। फिर अब ऐसे में यही सवाल आता है कि अब क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले ऐसे में क्या होता है कि कई बार डॉक्टर आपकी डिलीवरी डेट निकलने के बाद भी आपको 7 से 10 दिन तक का वेट करने के लिए और बोल सकते हैं। वो कब? जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, किसी भी तरीके की आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर आपको 7 से 10 दिन तक का और वेट करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद जब डिलीवरी डेट निकलने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे, एक बार फिर से आपसे आपके एलएमपी पूछेंगे कि शायद कोई गलत एलएमपी तो नहीं आपने बता दी है, डिलीवरी डेट उसके अकॉर्डिंग गलत तो नहीं निकाल दी है, तो आपसे एक बार फिर से आपकी एलएमपी डॉक्टर कंफर्म करेंगे। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी डेट निकल जाती है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपका यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट वो किस लिए करेंगे कि आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को चेक करेंगे, जिससे डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं कि अभी और डिलीवरी में कितना समय लगने वाला है, अभी कितने दिन और बाकी हैं। इसके साथ ही क्या होगा कि आपके बेबी बम को भी डॉक्टर चेक करेंगे, बेबी बम का साइज देखेंगे, बेबी बम को शायद अब प्रेस करके डॉक्टर का जो चेक करने का तरीका होता है उस तरीके से डॉक्टर चेक करेंगे, बेबी की ग्रोथ देखेंगे, बच्चे की पूरे तरीके से ग्रोथ हुई है नहीं हुई है ये भी डॉक्टर चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि डॉक्टर आपका विजाइनल चेकअप भी कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट की आपकी जांच कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट में फिंगर डाल के डॉक्टर चेक करेगा कि आपका सर्विक्स अभी सॉफ्ट हुआ है नहीं हुआ है, मतलब कि डिलीवरी में और अभी कितना टाइम लगने वाला है। जब डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप करेंगे तो फिंगर को भी चारों तरफ सर्विक्स के घुमा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सके, करीब 48 घंटे के बाद आपका लेबर पेन स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। 48 घंटे निकलने के बाद भी अगर आपको फिर लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर फिर आपसे डिस्कस करते हैं, पूरी सिचुएशन को समझते हैं कि लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके लिए बेस्ट होता है फिर डॉक्टर आपको वही करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर अगर आपको कुछ टाइम का वेट करने के लिए भी बोलते हैं तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आपका शिशु गर्भ में पूरे तरीके से सुरक्षित होता है, डॉक्टर उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। कई महिलाएँ क्या करती हैं कि अगर उनको डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा टाइम वेट करने के लिए बोल देते हैं तो वो घबराने लगती हैं कि पता नहीं गर्भ में बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास गई हैं तो डॉक्टर के हाथ में पूरा है, उन्होंने देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर जब तक बोलता है
तब तक आप वेट कर सकती हैं। डॉक्टर जितने दिन का आपको वेट करने के लिए बोलते हैं तब तक भी अगर आपको लिवर पेन नहीं आया है तो आप फिर तुरंत डॉक्टर से जाके फिर से मिलिए। फिर वो क्या करते हैं कि वो एक लास्ट सिचुएशन होती है, तब क्या करेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बेबी पोजीशन ठीक है, गर्भ में बेबी ने अपना हेड डाउन कर लिया है, तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। फिर क्या करेंगे कि आपको इंड्यूस लेवर पेन डॉक्टर ला के आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुई तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर, या तो विजाइना में मेडिसिन रखकर लेवर पेन लाएंगे या इंजेक्शन के थ्रू लेवर पेन लाएंगे। तो इससे मतलब अगर पॉसिबल हुई तो डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने की। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, बेबी आपका ब्रीच पोजीशन में है, आपका सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर खुद चेक कर लेते हैं और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है तो आपको क्लियर कर देते हैं। तो अगर आपको सीजेरियन डिलीवरी फिर डॉक्टर बताते हैं तो आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्योंकि फिर इस कंडीशन में और ज़्यादा वेट करना फिर रिस्की हो सकता है। इसलिए डॉक्टर जैसा कहे आपको वैसा ही लास्ट टाइम पर करना चाहिए, उस चीज़ में अपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ में अपने तरीके से नहीं चल सकते। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है डॉक्टर। डॉक्टर जैसा कहे आपको वही करना चाहिए, क्योंकि बात आपके बच्चे की सेफ्टी की होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए जब आपको 9 मंथ में या ईडीडी निकलने के बाद लेवर पेन नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।